कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के निजी होटल हैं, लिहाजा सुक्खू सरकार की सब्सिडी का हथौड़ा चलने के बाद अब सरकार के अपने नेता भी इस बात से नाराज होंगे कि सीएम ने यहां पर अपने नेताओं की भी सब्सिडी बंद कर दी। कांग्रेस ही नहीं, यहां पर व्यवसायियों की बात की जाए, होटल व्यवसाय में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे नहीं है, क्योंकि पूर्व मंत्रियों में महेंद्र सिंह ठाकुर, किशन कपूर, विधायक बलवीर वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार समेत कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के होटल हैं। और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कमर्शियल व्यापारिक संस्थानों पर प्रतिष्ठानों की सब्सिडी खत्म करने का यह फैसला पसंद नहीं आएगा। अब इन्हीं सभी नेताओं के होटलों पर दी जा रही एक रुपया प्रति यूनिट की सब्सिडी खत्म हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल मीटर पर पहले 5.52 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल आता था, अब 1 रुपया सब्सिडी खत्म होने से कमर्शियल मीटर पर 6.52 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल आएगा। और यह स्वाभाविक रूप से अब हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल की बात की जाए तो बड़े बड़े मॉल जिस प्रकार से हैं, बड़े बड़े कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो निजी विश्वविद्यालय हैं, निजी होटल हैं, हॉस्टल हैं या निजी अस्पताल हैं, इन तमाम बड़े संस्थानों में अब बिजली पर जो राज्य सरकार 1 रुपया सब्सिडी दे रही थी समाप्त हो जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं की बात की जाए तो 125 यूनिट बिजली पहले हिमाचल प्रदेश में फ्री थी, लेकिन अब सिर्फ जरूरतमंदों के लिए की गई है, गरीब आदमियों के लिए की गई है। एक ही बिजली के मीटर पर, राशन कार्ड के आधार पर एक ही बिजली के मीटर पर अब ये सब्सिडी मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो कि करदाता टैक्स पेयर हैं, उन्हें अब यह सब्सिडी खत्म हो जाएगी। सरकार यह पहले फैसला कर चुकी है, लेकिन इस फैसले के बाद अब जितने भी हिमाचल प्रदेश में साधन संपन्न लोग हैं उन्हें अब 125 यूनिट तक 5.60 रुपये प्रति यूनिट बिजली का रेट लगेगा। 126 से 300 यूनिट तक 6 रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल आएगा और 300 से ज्यादा बिजली की खपत पर 6.25 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर से बिल आएगा। ये डोमेस्टिक है, जब कमर्शियल पर फ्लैट 1 रुपये की सब्सिडी बंद कर दी गई है। 27 अगस्त हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र को लेकर विधानसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 9 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र चलेगा, 10 बैठकें होगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा प्रशासन ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 14वीं विधानसभा का यह 6ठा सत्र होगा। 27 अगस्त सुबह 11 बजे इसका आगाज होगा। 29 अगस्त 5 सितंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस होगा। 31 अगस्त और 9 सितंबर को नहीं होगी विधानसभा सत्र की बैठकें। अधिसूचना के बाद अब सदस्य भेज सकेंगे अपने प्रश्न, नियमों के तहत नोटिस ऑनलाइन ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को भेजने होंगे। इससे पहले बजट सत्र में कुल 12 बैठकें हुई थी, इस मानसून सत्र में 10 बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश में नियुक्ति पत्र के साथ टर्म एंड कंडीशन साथ लगाई जाएंगी, यानी कि जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसके साथ ही टर्म्स एंड कंडीशन होगी। और इसमें सबसे बड़ा जो इस समय पचड़ा अदालत में पड़ रहा है, जो कोर्ट की लिटिगेशन के जितने मामले आ रहे हैं, उससे सबक लेते हुए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जितने भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन की जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर पहले आपको बेशक 6 महीने पहले दे दिया जाए, 2 महीने पहले दिया जाए या आपको 10 दिन पहले दिया जाए, लेकिन उसी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा कि कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, दूसरा डेट ऑफ रेगुलराइजेशन क्या होगी, यह भी अंकित होगा। यानी कि जिस व्यक्ति को, जिस कर्मचारी को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है उसमें यह भी लिखा होगा कि उस कर्मचारी को नियमित कब किया जाएगा और उसे नियमित सेवाओं के वित्तीय लाभ कब मिलेंगे, ताकि अपॉइंटमेंट लेटर को रिसीव करने के बाद आगे चलकर कोई भी कैंडिडेट कोर्ट का दरवाजा खटखटा ना पाए। इन तमाम कोर्ट पचड़ों से बचने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और इसकी शुरुआत जेबीटी के अपॉइंटमेंट लेटर से की जा रही है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जेबीटी के अपॉइंटमेंट लेटर में यह मेंशन किया जाएगा कि उन्हें रेगुलर कब किया जाएगा, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी, यह स्पष्ट कर दिया है। कर्मचारियों की प्रमोशन को लेकर भी हमने कुछ दिन पहले भी इस खबर को आपके साथ साझा किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को यह स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी कर्मचारियों की प्रमोशन या उनको इंक्रीमेंट देनी है उसके लिए एक डेट तय की जाएगी और उसी समय अवधि में यह प्रक्रिया की जाएगी। और इसके लिए कहा गया है एक पूरा महीना यह प्रोसेस चलेगा और 1 महीने के बाद हर साल 1 अप्रैल को तमाम कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे और उसी दिन उनकी पोस्टिंग भी कर दी जाएगी। यानी कि मार्च के पूरे महीने में प्रोसेस चलेगा
करेगा, चाहे वो डीपीसी करनी है, वीसीसी सर्टिफिकेट लेने, विजिलेंस क्लियरेंस लेनी है, या तमाम तरह की औपचारिकताएं प्रमोशन के लिए करनी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति 1 अप्रैल को उसकी पोस्टिंग के साथ उसके ऑर्डर कर दिए जाएंगे। ये आदेश बाद में चेंज नहीं होंगे, चाहे किसी की 6 महीने बाद भी प्रमोशन होनी है, लेकिन ये 1 अप्रैल को आदेश जारी हो जाएंगे। और इसकी शुरुआत एजुकेशन डिपार्टमेंट से की जाएगी, शिक्षा विभाग से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी प्रक्रिया के साथ ये स्पष्ट कहा है मुख्यमंत्री ने कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब जितनी भी टीचर्स की प्रमोशंस होनी है, प्रमोशंस मार्च महीने में प्रोसेस चलेगा और 1 तारीख को, 1 अप्रैल को पोस्टिंग के ऑर्डर कर दिए जाएंगे, प्लेसमेंट के ऑर्डर कर दिए जाएंगे, ताकि कम से कम बीच सत्र में किसी की प्रमोशन होने के कारण कोई वैकेंसी खाली ना हो, वहां दूसरे की ट्रांसफर ना करनी पड़े, ये व्यवस्था प्रभावित ना हो। इसके चलते साल भर चलने वाली प्रक्रिया से सबक लेते हुए हम सिर्फ मार्च महीने में यह प्रोसेस ऑन करेंगे और 1 अप्रैल को बाकायदा पोस्टिंग के साथ पदोन्नति का तोहफा देंगे। ये सरकार ने, ताकि कम से कम हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई प्रभावित ना की जाए। और इसी तरह शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब हिमाचल प्रदेश में टीचर्स की जो ट्रांसफर होनी है, उन तबादलों को लेकर चाहे डीओ नोट पूरे साल आते रहे, पूरे प्रोसेस में आते रहे, लेकिन इसे लेकर हम ये देखेंगे कि 3 साल का टेन्योर किसका पूरा होने वाला है और उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उस आधार पर तमाम टीचर्स के तबादलों के डीओ नोट पूरे साल आते रहेंगे, उसको प्रोसेस करते रहेंगे, लेकिन एकेडमिक सेशन के बीच किसी के भी आदेश जारी नहीं करेंगे। अगर ऑर्डर जारी भी कर दिए जाते हैं तो ये बाकायदा उसमें मेंशन किया जाएगा कि ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन की डेट क्या होगी, यानी कि एकेडमिक सेशन के दौरान किसी के भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, मौके पर लागू नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में 150 टीजीटी ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है और उनकी ज्वाइनिंग ना होने से नाराज शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अब दूसरे जो वेटिंग में बैठे हैं उन्हें मौका दिया जाए। ये चेतावनी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है कि बैच वाइज टीजीटी की दूसरी सूची जारी कर दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई तक टाइम दिया था, लेकिन जिन दुर्गम क्षेत्रों में कई नवनियुक्त टीजीटी नहीं पहुंच पाए उन्हें कुछ वक्त जरूर दिया गया था, बावजूद इसके अभी भी 150 ने ज्वाइन नहीं किया है। इसलिए आज उन्होंने डायरेक्टरेट को यह डायरेक्शन जारी की कि दूसरी सूची जारी कर दी जाए। जेबीटी की पिछले कल भी हमने बात की थी और जेबीटी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी कर दिया कि जेबीटी की नियुक्ति को लेकर प्रोसेस ऑन कर दिया जाए, चाहे वो स्कूलों की मर्जिंग का आपने अवलोकन करना है, जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनका पूरी तरह से स्टडी करना है, लेकिन इसे तुरंत निपटा दिया जाए और जेबीटी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। बेशक उसमें ज्वाइनिंग की डेट को मेंशन कर दिया जाए कि उन्होंने ज्वाइन कब करना है और साथ में उनको उनके नियमितीकरण को भी ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही वो मेंशन कर दिया जाए उनकी नियुक्ति पत्र में कि उनकी उनके नियमितीकरण के आदेश कब लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लाने की भी तैयारी सरकार कर रही है। इस साल एकेडमिक सेशन में तबादलों पर सरकार ने पहले रोक लगा दी है, लेकिन अब अगले साल से 3 साल तक शिक्षकों को दूसरे स्टेशन में तबादले करना मुश्किल हो जाएंगे। दूसरे राज्यों की तर्ज पर नए वर्ष में तबादलों पर और भी सख्ती के साथ सरकार यहाँ पर फैसले लेने जा रही है। बड़ी बात यह है कि अब शिक्षक तबादलों पर राजनीतिक इंटरफेरेंस नहीं होगा। हालांकि सरकार बार बार कहती है फिर भी इंटरफेरेंस होता है। पिछली जयराम सरकार ने टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, शिक्षा विभाग के अफसरों को हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर तमाम राज्य की सैर करवाई गई, कई दौर की मंत्रणा की गई, मीटिंग की गई, लेकिन जब विधायकों ने आपत्ति की तो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को कचरे में डाल दिया गया। अब यहां भी सरकार दूसरे तीसरे महीने शिक्षा मंत्री ऐसा बयान जरूर देते हैं, लेकिन ये तमाम बातें चलती रहेंगी। जब तक ये लागू नहीं होगा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अपनों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा और अपनों को एडजस्ट नहीं करेंगे तो इनको पूछेगा कौन। जो टीजीटी इंडक्शन ट्रेनिंग है वो जिला में ही करवाई जाए, संबंधित जिलों में ही करवाई जाए, जिला से बाहर अगर भेजेंगे तो इस पर इन्हें आपत्ति है, ये भी आज इन्होंने जानकारी दी है। हालांकि इनकी मांगों पर कितना गौर होता है देखेंगे। टीजीटी कला संघ की ओर से हमारे समक्ष क्योंकि ये जानकारी आई थी और हमने भी सरकार तक ये फिलहाल इस बुलेटिन के जरिए बात पहुंचानी चाहिए है। मानसून सत्र पर देखिए मंजूरी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सेशन 27 अगस्त से 9 सितंबर तक होने जा रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर मंजूरी आ गई है। अब विधानसभा सदस्य अपने अपने सवाल तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ये विधानसभा को अपने सवाल भेज सकते हैं। इसमें अधिकतर विधानसभा सदस्य अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड सवाल करते हैं।
पोस्टकोड 817 पर भी एक अपडेट है। जीओईआईटी पोस्टकोड 817 के अभ्यर्थी अभी भी राज्य चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आश्वासन इन्हें दिया गया था कि एक हफ्ते के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन 19 दिन बीत गए हैं जिस वजह से इनके सब्र का बांध टूट रहा है। आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे, सचिवालय की ओर भी शिमला में ये कूच कर सकते हैं, ये इनकी ओर से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। दरअसल कई तरह की बीमारियों से वहां ये ग्रस्त हो रहे हैं। शाम 4 बजे के बाद क्योंकि वहां कई तरह की संभावनाएं बढ़ जाती है, आज इन दिनों मौसम भी काफी ज्यादा खराब है, अंधेरे में इन्हें एक तरह से वहां रहना पड़ रहा है और इस वजह से कई परेशानियां इनके समक्ष आ रही है। भीगने से बार बार ये बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा देरी रिजल्ट घोषित करने में हो रही है। तो अब सवाल इनका ये है कि किसी अधिकारी के कहने से ये कैसे चले जाएं जब इतने दिन इन्हें वहां बैठे हुए हो चुके हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। दरअसल अधिकारी क्योंकि इन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वहां से चले जाएं और उसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। पहले बात ये भी सामने आई थी कि जो 5 अगस्त को सुनवाई होनी थी 556 पोस्ट कोड पर, उसके बाद जल्दी रिजल्ट घोषित हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखा जा सकता है, आज 6 तारीख है, लेकिन तस्वीरें वही के वही बनी हुई है। देखिए, मंडी से सांसद कंगना रनौत वामपंथियों पर बरसी हैं। पिछले कल बांग्लादेश में जिस तरह की घटना सामने आई है, इसके लिए वामपंथी ही जिम्मेदार हैं। पूरे विश्व स्तर पर ये हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें भी यही षड्यंत्र वामपंथियों की ओर से रचा गया था। एक प्रधानमंत्री के कपड़े फाड़ कर इस तरह से फेंक दिए जाते हैं। अच्छा हुआ कि जो शेख हसीना थी समय रहते ही वहां से भारत के लिए निकल गई थी, नहीं तो लोग उनके भी टुकड़े टुकड़े कर सकते थे। ये कंगना रनौत की ओर से आज बड़ी बात कही गई है। वामपंथियों ने यह हिंसा भड़काई हुई है। अमेरिका में भी ट्रंप के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये वामपंथियों का षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है, ये उनकी विचारधारा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये कंगना रनौत का कहना था, आज उनकी ओर से ये स्टेटमेंट दी गई है मीडिया के समक्ष। कैबिनेट के एजेंडा पर आना चाहेंगे क्योंकि देखिए, पुलिस भर्ती का मामला कैबिनेट में जाएगा। एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में अब भर्ती को लाया जा रहा है क्योंकि लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया जा रहा है लिखित परीक्षा करवाने का। सामान्य तौर पर लोक सेवा आयोग क्लास 3 की भर्तियां नहीं करवाता है, तो इसी वजह से एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में अब इस भर्ती को लाया जाएगा और इसे लेकर मंजूरी 8 अगस्त की कैबिनेट बैठक में मिल जाएगी जो कि परसों हो रही है। दूसरी बात, आपदा पर चर्चा होने वाली है। पिछली बार कितने प्रभावितों की मदद हुई थी और जो प्रभावितों के लिए राशि का प्रावधान पिछली बार किया गया था, क्या इस बार भी हूबहू राशि वही रखी जाएगी या बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी, ये कैलकुलेशन फिलहाल इन दिनों सचिवालय में हो रही है और इस पर चर्चा कैबिनेट बैठक में भी होने जा रही है। पिछली बार विस्थापितों को 7 लाख की दी गई थी ताकि नए मकान का निर्माण हो सके और कुछ सहायता उन्हें सरकार से मिल पाए, लेकिन क्या इस बार भी जिन लोगों ने अपने मकानों को खो दिया है यही राशि दी जाएगी या इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी या कोई और प्रावधान यहां पर प्रभावितों के लिए अब किया जाएगा, इस पर दरअसल ये चर्चा होने जा रही है। 15 अगस्त को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू क्या ऐलान करने वाले हैं देहरा में, इस पर भी चर्चा कैबिनेट में होगी। हालांकि सचिवालय में पिछले 2 दिनों से इस पर कार्य भी चल रहा है और ये गुणा भाग का सिलसिला भी हमने वित्त विभाग में देखा है कि अगर कर्मचारियों को डीए की सौगात देनी होगी तो अभी कितना प्रतिशत दिया जा सकता है, इससे कितना अतिरिक्त बोझ फिर सरकार पर पड़ेगा, तमाम मसलों को लेकर चर्चा हो रही है। सिर्फ कर्मचारियों पर नहीं बल्कि ग्रामीण लोगों को क्या सौगात दी जा सकती है, बाकी लोगों को, बाकी वर्गों को क्या सौगात 15 अगस्त के दिन दी जा सकती है। हालांकि हर वर्ग को ही यूं तो सरकार से काफी ज्यादा उम्मीद रहती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हर बार आस लगाए रहते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी अनाउंसमेंट उनके लिए होगी और इस वक्त तो बार बार डीए और एरियर को लेकर ही मांग उठाई जा रही है। खैर, पूरी होती है या नहीं ये हम देखेंगे। एनटीटी भर्ती पर बात करते हैं क्योंकि एक महीना देखिए हो गया है, एक महीने से ऊपर का समय हो गया है जब ये फैसला लिया गया था कि 6,299 पद भरे जाएंगे, लेकिन अभी तक बात वहीं अटकी है। कारण ये है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग और जो समग्र शिक्षा विभाग है ये आपस में ही चर्चा कर रहे हैं, अभी तक इनकी आपसी चर्चा ही खत्म नहीं हो पाई है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जब हमने सवाल पूछा तो विभाग के अधिकारियों का कहना रहता है कि अभी टर्म एंड कंडीशंस पर चर्चा हो रही है, जब टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाएंगी तो फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को इसकी जानकारी दे दी जाएगी, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाएंगी और फिर आगे ये प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। लेकिन न जाने प्रोसेस कब बढ़ेगा क्योंकि एक महीने से ये टर्म्स एंड कंडीशंस ही क्लियर नहीं हो पा रही है और ना ही बात अभी तक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तक पहुंची है। 15,000 के करीब महिलाएं हैं एनटीटी भर्ती में जो कि इंतजार कर रही हैं और पिछले कई वर्षों से इनका इंतजार इसी तरह से बना हुआ है। 6,000 से ज्यादा के करीब पद इसमें भरे जाने हैं तो जरूरी है कि समय रहते प्रक्रिया शुरू हो पाए, क्योंकि अब तो इसमें कुछ एक शर्तें भी लगा
दी गई हैं। एक तो ये कि जो यहाँ नोटिफिकेशन जारी की गई थी इससे पहले एनसीटी की ओर से, उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि 2 साल का डिप्लोमा ही अनिवार्य है, तो इसे अनदेखा नहीं किया जाएगा, ये सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। और 15,000 में अधिकतर महिलाएं ही ऐसी हैं जिनके पास सिर्फ 1 साल का ही डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा उनके पास है नहीं। और दूसरी ओर जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो भी उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि प्रायोरिटी उन्हें इस भर्ती में दी जाएगी, क्योंकि पिछले कई सालों से वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्होंने तो मांग ये भी उठाई थी कि जो कोटा है वो 30% से बढ़ाकर 70% इनके लिए किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगी। लेकिन ये सभी बात की बातें रह जाती हैं कि 2 साल का डिप्लोमा ही इसमें अनिवार्य रखना है या नहीं, और दूसरी बात ये कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को कोटा देना है या नहीं, यानी कि कोटा उनका इसमें बढ़ाना है कि नहीं। सबसे पहले तो टर्म्स एंड कंडीशंस यहां फाइनल नहीं हो रही है, जैसे ही ये फाइनल होंगी तो अगली अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे।